प्यारे बच्चों, प्रारंभ की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। जी हाँ, त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, ट्राई यानि कि तीन, एंगल्स यानि कि कोण, त्रिभुज। त्रिभुज यानि कि तीन भुजाओं वाला, थ्री साइड्स जिसमें हों। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, इसकी थ्री साइड्स दिखाई दे रही हैं। और अब अंदर की तरफ ये जो 1, 2, 3 आपको दिख रहा है, ये है एंगल्स। तो ट्रायंगल की थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तीन भुजाएं और तीन कोण, साथ ही थ्री वर्टिसेस यानी कि तीन पॉइंट्स, ए, बी और सी, ठीक है। तो ट्रायंगल में तीन चीज़ें हो गई, साइड्स थ्री, एंगल्स थ्री और वर्टिसेस यानी कि पॉइंट्स थ्री। अब तरह तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल। देखिए फिगर में, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये तीनों तरफ से बराबर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो ट्रायंगल तीनों तरफ से बराबर हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को? जी हाँ, इसे कहते हैं समबाहु, यानी कि थर्ड जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि दो जो साइड्स हैं इसकी, इस ए बी सी ट्रायंगल की, दो साइड्स इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? सम द्विबाहु, यानी कि दो जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड साइड कैन बी डिफरेंट, वो अलग हो सकती है, लेकिन दो साइड सेम होनी चाहिए। थर्ड इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जो होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। जो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। और हिंदी में हम इसे कहते हैं विषम बाहु, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, इसकी तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल्स कौन कौन से हुए? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? समबाहु, आइसोसेलेस सम द्विबाहु और स्केलिन यानी कि विषम बाहु, ठीक है। अब ये तो था साइड्स के बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर कितनी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये जो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोण है, तीन कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, दे ऑल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसको हिंदी में हम न्यून कोण कहते हैं, न्यून यानी कि कम। तो 90 डिग्री से जो कम कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण या इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तीनों साइड्स जो हैं वो 90 से कम होनी चाहिए, कोई भी एक साइड अगर 90 से ज़्यादा है या 90 भी है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है, जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, इसकी तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल को हम कैसे पहचानेंगे? जिसमें 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण हो, किसी भी एक जगह हो सकता है वो, चाहे वो ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, किसी एक वर्टिसेस पे भी अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? समकोण, ठीक है। जो 90 डिग्री के बराबर कोण होगा, दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण। तीसरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में हम इसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, अधिक यानी कि ज़्यादा। तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा कोण हो, चाहे वो एक ही हो, तीनों कोण तो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते,
ठीक है। अब जैसे इसमें आपको दिख रहा है, बाकी के जो टू एंगल्स हैं वो अभी आपको नहीं बताया कि कितने हैं, ठीक है। जो थर्ड एंगल जो दिया हुआ है वो 120 है, जो कि 90 से ज़्यादा है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें 90 से ज़्यादा डिग्री का एक भी कोण हो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहता है, कहलाता है, और उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है। तो तीन तरह के ट्रायंगल्स कौन कौन से हो गए, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। यानी कि एक्यूट जिसमें 90 से कम हो, राइट जो 90 के बराबर हो, और ऑब्ट्यूस जो 90 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, आप नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू।